अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाजिया मीर अल्लाह खैरन कसीरा सब फ्रेंड्स का जिन्होंने अभी तक मुझे लाइक डन एंड सब्सक्राइब किया और कमेंट करते हैं थैंक यू वेरी वेरी मच आज आपके लिए लाई हूँ चाइनीज चिकन मीट बॉल्स तो इसकी रेसिपी कैसी है और बहुत ही सिंपल एंड इजी टू गो रेसिपी है तो मैंने लिया अराउंड हाफ के जी चिकन मिंस एकदम फाइनली चॉप किया इसमें मैंने ऐड किया है टू टीस्पून चिली ग्रीन चिली पेस्ट जो मैंने मिंस किया था और साथ में ऐड किया वन टी इटालियन हर्ब्स और उसके अलावा किया है टू टी रेड चिली सॉस और वन टी के अराउंड मैंने यूज़ किया है सोया uh, सॉस साथ में मैंने वन टीस्पून और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला था कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर दैट एक्स्ट्रा कलर एंड सॉल्ट टेस्ट ये सारा मैंने चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स किया था इसकी अच्छे से मालिश की थी जैसे एकदम इसमें ये पूरा एब्जॉर्ब होना और इसमें एकदम वो चाइनीज़ वाला फ्लेवर्स आ जाना और उसको मैं थोड़ी देर छोड़ा था एक दस पंद्रह मिनट और उसके बाद मैंने इसमें चीज़ ऐड किया था फ्रेंड्स आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं मैंने चेडार एंड मोर चीज़ ऐड की थी ग्रेट करके तो जितना आपको क्वांटिटी डालना है आप अपने हिसाब से डालें ना ज्यादा न कम मैंने मीडियम डाला था कि ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर नहीं एकदम अच्छा सा हल्का चीज़ी फ्लेवर आए और जो अच्छा भी लगे खाने में एकदम चीज़ी नहीं कि सिर्फ वो चीज़ चीज़ दिखे मैंने उतना नहीं डाला था ये हो गया है जी मेरा डन सारा इसमें मिक्स किया था मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से और फिर मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी अपने हिसाब की आप चाहें तो छोटी बनाएं या बड़ी बनाएं या राउंड बॉल्स बनाएं या स्क्वायर शेप दें जो आपको शेप अच्छा लगता है आप वैसा दें फाइन फाइन शेप मैंने छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी थोड़ी जो अच्छी लगती हैं छोटी छोटी बॉल्स ये देखिए चीज़ भी इसमें दिख रहा है और अच्छे से मैंने इसको परफेक्टली छोटी छोटी बॉल्स एक एक करके बना ली थी फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही इजी टू गो है आप इसे एक बार बनाएंगे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं फ्रिज में और कभी भी मेहमान आए तो आप इसको इजीली निकाल के फ्राई करके उनको सर्व कर सकते हैं ये देखिए मेरी बॉल्स हो गई थी रेडी एक अंडा फेंट लिया था मैंने और साथ में ली थी ब्रेड क्रम्पस और मैंने लिया था मैदा भी तो मैंने ये बॉल्स को किया था मैदे में कोट अच्छे से और मैदे में कोट करने के बाद मैंने इसको आ, अंडे में डिप किया था इसको एक एग वॉश दिया था और एग वॉश करने के बाद मैंने इसको अच्छे से कोट किया था ये ब्रेड क्रम्स के साथ फ्रेंड्स ये सिर्फ एक स्टेप है आप जैसे इसको कोट करना चाहते हैं वैसे करें मैंने इसको इस टाइप कोट किया था या तो आप सीधे अगर एग में डाल के इसको ब्रेड क्रम्स में भी करते हैं कोट तो वो भी अच्छा लगता है वो भी परफेक्ट बनता है क्योंकि कभी कभी लगता है ना बहुत सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं आप अब जो आपके लिए इजी स्टेप है आप वो करें ऐसे कर कोट करते करते मैंने पूरे बॉल्स को किया था एक बार मैं सबको कोट करके रख दिया था जैसे जैसे बॉल्स बन रही थी और मैं उनको साइड में कर रही थी और यहाँ मैंने हीट किया था ऑयल मीडियम हीट किया था मैंने मीडियम हीट पे ऑयल किया था uh, friends, मैंने हॉट और फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा एकदम डीप ऑयल नहीं लिया था uh, मैं मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं मैंने सोचा मैं शैलो करूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा देती हूँ ऑयल और देखिए ऑयल जब मैंने लिया था ये बिल्कुल मैंने स्लो से मीडियम गैस पर रखा था ताकि अंदर तक वो अच्छा सा फ्राई हो जाए और उसमें कच्चापन नहीं रहे ये देखिए और जाग रह, आ, ये जाग जैसा आपको दिख रहा होगा ऑयल में दिस इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेड क्रम्स होता है ये ये अच्छे से फ़्राई हो रही थी बॉल्स और इसको मैं बीच बीच में फ़्लिप भी कर रही थी पैन के पैन में ही कर रही थी कोशिश और स्पैचुला से भी बीच बीच में हिला रही थी अच्छे से ताकि ये सब साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए एकदम ये देखिए हमारी बॉल्स हो गई थी रेडी और इसको मैंने कर दिया था रिमूव एक टिशू पेपर पे ताकि ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो वो एब्जॉर्ब हो जाए टिशू पेपर में और सा फिर मैंने एक डिश ली थी जिसको मैंने किया था जिसमें मैंने सर्व किया था और उसमें मैंने क्या किया था इस डिश को लेयर किया था मैंने कैबेज एंड कोरिएंडर लीव्स के साथ इसको मैंने अच्छे से चॉप करके इसमें लेयर कर दिया था और ऊपर से ये मीट बॉल्स लगा दी थी और ऊपर से भी थोड़ा सा उसी का गार्निश किया था और साइड में थोड़ा सॉस लगाया ऊपर में भी मैंने थोड़ा सॉस डाला ताकि मैंने कहा इसमें अच्छी सी लुक आए और खाने में भी एकदम परफेक्ट लगे बिल्कुल भी तकलीफ़ न हो आपके मेहमानों को कि सॉस डालना है या कुछ और डालना है तो आपको जो अच्छा लगे मैंने तो इसको टमाटो कैचअप के साथ ही सर्व किया था आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या वाइट चटनी के साथ सर्व करें जो आपको अच्छी लगती है या हॉट हॉट रेड चटनी भी इसके साथ बहुत ही अम लगती है बट मैंने इसके साथ इसको इसके साथ ही सर्व किया था किड्स के लिए एकदम परफेक्ट बनी थी बहुत ही यमी थी आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी जरूर ट्राई कीजिए टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन